यहाँ पे मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 4, जो कि आपको 8 से 9 हज़ार रुपये की मदद देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज हम इस फ़ोन के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आप इस फ़ोन में कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सबसे पहले डायलर में जाते हो तो आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप डायरेक्टली यहाँ से इनेबल कर सकते हो, और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फ्लैश फॉर कॉल्स का फीचर दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑन करते हो तब कुछ रियर में फ्लैश दी हुई है, वो किसी का भी फ़ोन आएगा तब ब्लिंक करेगी कि आपका फ़ोन आ रहा है, भाई साहब उठा लीजिए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, जो कि आपको मैं इसी में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और अब चलें सेटिंग में, तो सेटिंग में भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे शुरू शुरू में चलते हैं वाईफाई में, तो यहाँ पे वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि डायरेक्ट ऑप्शन रहता था पहले नेटवर्क शेयर करने के लिए। स्पीड बार अगर आपको नेटवर्क में शो करनी है, मतलब ऊपर की साइड में शो करनी है, तो आप यहाँ से इनेबल और ऑफ़ कर सकते हो। हॉटस्पॉट वगैरह अगर आपको ऑन करना तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं कि बैंड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कि 2.4 अलग बैंड आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम यूज़र आप सेलेक्ट कर सकते हो कि एक यूज़र आपका ऐड होना चाहिए, और ब्लॉक वगैरह भी आप कर सकते हो। आगे चले कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस में आप ब्लूटूथ वगैरह OTG को इनेबल करने के लिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब OTG वगैरह सपोर्ट करता है मोबाइल। और अब आगे चल रहे हैं तो बैटरी में आपको दिखा देते हैं, AI स्मार्ट सेविंग का फीचर दिया हुआ है, 1 की क्लीनअप का फीचर दिया हुआ है, बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ होगी तो क्लीनअप कर देगा। बैटरी परसेंटेज आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। प्रोफेशनल सेटिंग्स इसमें दी हुई है, जैसे ऑप्टिमाइज बैटरी सेवर मोड, व्हाट्सअप मोड, पावर मैनेजमेंट मोड, मतलब व्हाट्सअप के लिए अलग से मोड दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पर लो पावर रिमाइंडर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें। स्क्रीन ऑफ पर स्लिप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन ऑफ रहेगी तो सारी चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में बंद हो जाएगी। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें फ़ोन को। व्हाट्सअप मोड दिया हुआ है कि व्हाट्सअप मोड में ये होगा कि आपका फ़ोन ऑफ रहने के बाद में भी व्हाट्सअप ठीक से वर्क करेगा। डिस्प्ले में जाता है तो आई केयर का मोड दिया हुआ है, तो ये सही इनेबल करने के बाद में ये होता है कि आपकी स्क्रीन है जो येलोइश हो जाएगी, और आपको काफ़ी अच्छा मतलब आराम मिलेगा आपकी आंखों को। नोच एरिया के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि फुल नोच आपको चाहिए या फिर आप छोटी सी नोच के साथ में काम चला सकते हो। थोड़े थोड़े फीचर हैं बट काफ़ी कमाल के हैं। और आगे चलें सिस्टम एंड नेविगेशन में, तो आप बटन्स की जो गेस्चर मोड में जा सकते हो, अभी गेस्चर मोड में आ चुका है, मिक्स नेविगेशन में जा सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी शूट करे आपको उसमें जा सकते हो। थीम एंड इसमें जाते हो तो थीम वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो, सैमसंग की तरह आप इसमें थीम चेंज कर सकते हो, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे। लॉक स्क्रीन पर बार बार वॉलपेपर चेंज होंगे, वो वाला फीचर भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, क्योंकि सबको एक जैसी लॉक स्क्रीन पसंद नहीं होती ना। साउंड में जाते हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ, इंक्रीज इनकमिंग कॉल, ये फीचर काफ़ी अच्छा, जो कि नोकिया मोबाइल में देखने को मिलता था। इससे हुआ कि जैसे किसी का भी फ़ोन आपके पास आता है तो आपकी जो फ़ोन की आवाज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को आप इनेबल कर सकते हो, इसमें ये होता है कि किसी का फ़ोन आपको चाहिए या नहीं चाहिए सारी चीज़ें आपको शो कर देगा। तो कुछ कुछ काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं जो कि आपको इस फ़ोन को यूज़ करने में काफ़ी मदद करेंगे। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में जाते हो तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो, फेस अनलॉक सेट कर सकते हो, प्राइवेसी प्रोटेक्शन सेट कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कोई भी आपका ऐप है वो उसको आप हाइड वगैरह कर सकते हो, इसमें ये भी फीचर दिया हुआ है। गेम मोड का फीचर दिया हुआ है, गेम में आप डाल सकते हो कौन सा गेम आपको खेलना है। स्मार्ट पैनल का फीचर दिया हुआ है, इसमें ये हुआ यहाँ से स्विच करते हो तो आपको स्मार्ट पैनल देखने को मिलता है, उससे ये यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं भी आप स्मार्ट पैनल इनेबल कर सकते हो, उसमें आपके एप्लीकेशन वगैरह आप डाल सकते हो। इंटेलिजेंट वॉइस ब्रॉडकास्ट का फीचर दिया हुआ है, अब इस ब्रॉडकास्ट फीचर के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शायद एक्चुअली मैं जो ये यूज़र्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी यूजर्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। और माइक्रो इंटेलिजेंस में जाता हो तो क्विक स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, टैपिंग डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ तो फ़ोन ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। म्यूजिक गेस्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप फिंगर रखते हो, जैसे भी आप फिंगर रखते हो स्क्रीन पर तो आपका म्यूजिक इनेबल हो जाएगा। फ्लिप म्यूट का उल्टा करने पर आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का फीचर दिया हुआ है, इसे इनेबल करने के बाद में ये होता है कि जैसे कि आपके पास में 3 फिंगर्स मैंने नीचे की, तो फिंगरप्रिंट से यहाँ से जो ये है स्क्रीनशॉट वो कैप्चर हो जाएगा, और अब यहाँ से हटा सकते हो उसे। कवर साइलेंस का, कवर रखते ही फ़ोन साइलेंस हो जाएगा। स्मार्ट स्क्रीन लाइटिंग का फीचर दिया हुआ है, जो कि आपको लाइटिंग देगी अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो।
अब चलते हैं डिजिटल वेलबींग में। तो डिजिटल वेलबींग काफ़ी कमाल का फीचर है, यहाँ पे दिखा देगा कि 6 बार आज मैंने फ़ोन को अनलॉक किया है। विंड डाउन मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, फ़ोन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चला जाएगा और आपको सोने की सलाह देगा कि आप सो जाइए, फ़ोन यूज मत कीजिए। डो नॉट डिस्टर्ब मोड को आप इनेबल कर सकते हो, इससे ये होगा कि आपका किसी को कॉल वगैरह नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको इस फ़ोन के सारे फीचर्स बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।